हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 2nd नवंबर 2022। लेट्स बिगिन टुडेज एमसीक्यू सेशन फॉर अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विद हीमोफीलिया इज ब्रॉट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट After injuring his knee, the nurse should anticipate the need to administer. किसी हीमोफीलिया वाले पेशेंट को घुटने में चोट लगने के बाद एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। वहां ड्यूटी कर रही नर्स इस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ऐसा अनुमान लगाएगी। ऑप्शन ए कहता है प्लेटलेट्स, बी कहता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, सी कहता है फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट, डी कहता है आरबीसी। सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। हम इस क्लाइंट को FFP एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हीमोफीलिया, जो कि रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इस डिजीज कंडीशन के अंदर क्लाइंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और जब भी क्लाइंट को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो क्लॉट ना बनने के कारण वहां से एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है और इससे क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। जब भी हमें हीमोफीलिया वाले पेशेंट में ब्लीडिंग को रोकना हो तो उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे सही इलाज माना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज क्लियर नहीं है कि क्लाइंट को कौन से टाइप का हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया दो टाइप्स का हो सकता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी होती है, जबकि हीमोफीलिया बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि हीमोफीलिया क्लाइंट को ए है तो हम क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को एडमिनिस्टर करते, जो कि यहाँ सी में दिखाया गया है, सी ऑप्शन में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं होने के कारण हमने इसे आंसर नहीं माना। आरबीसी और प्लेटलेट के एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एडमिनिस्टर करेंगे। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद तैयार किया जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद रहते हैं, इस वजह से हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं और जिस भी क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी उसका रिप्लेसमेंट इस FFP द्वारा किया जाएगा और तुरंत क्लाइंट के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होगा और ब्लीडिंग रुक जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, FFP इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स वुड एक्सपेक्ट एन एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिपोर्ट इन टू अ चाइल्ड विथ हीमोफीलिया। अगर किसी बच्चे को हीमोफीलिया डिजीज है तो उसकी कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग एबनॉर्मल मिलेगी, कौन सी टेस्ट रिपोर्ट एबनॉर्मल मिलेगी? प्लेटलेट काउंट कम आएगा, डिक्रीज आएगा? ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ आएगा? क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ आएगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ आएगा? कौन सी फाइंडिंग एबनॉर्मल हो जाएगी हीमोफीलिया के पेशेंट में? यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही माना जाएगा। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि हीमोफीलिया जो डिजीज है उसके अंदर
क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है या डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होने के कारण जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है, क्लॉट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा, क्लॉट बनने में ज्यादा टाइम लगेगा और क्लॉट बनने में टाइम ज्यादा लगना इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम के नाम से जाना जाता है। सो हीमोफीलिया के पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण क्लॉट के फॉर्मेशन में समय लगेगा और इसी के कारण इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम देखा जाता है। क्लॉटिंग टाइम बढ़ने के साथ ही ब्लीडिंग होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा बाकी सभी फाइंडिंग्स यहाँ पर नॉर्मल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 45 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिकरेंट रन्स ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नोटेड ऑन होल्टर मॉनिटरिंग। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडीज द फॉलोइंग मॉर्निंग। विच स्टेटमेंट शुड द नर्स इंक्लूड इन अ टीचिंग प्लान फॉर दिस क्लाइंट। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन आपसे यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज को पूछा जा रहा है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को समझें और फिर आंसर करें। एक 45 साल का पेशेंट है जिस पर होल्टर मॉनिटरिंग की गई थी और होल्टर मॉनिटरिंग में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन होना पाया गया। अब इस क्लाइंट में डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी प्रोसेस नेक्स्ट मॉर्निंग में किया जाने वाला है। इस प्रोसेस से पहले टीचिंग देते समय एज अ नर्स आप इस क्लाइंट को कौन सा स्टेटमेंट कहना चाहेंगे? ऑप्शन वन कहता है, यू विल कंटिन्यू टू टेक योर मेडिकेशंस अंटिल द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट। आप टेस्ट होने तक जो भी मेडिसिन्स आपकी चल रही हैं उसे ले सकते हैं। ऑप्शन टू कहता है, यू विल बी सीडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड विल नॉट रिमेंबर दैट वॉज हैपेंड। आपको इस प्रोसेस के दौरान बेहोश कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस कैसे हुआ आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। द टेस्ट इज अ नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मेडिकेशन रेजिमेन। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो कि आपकी मेडिसिन के प्रभाव को पता करने के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन फोर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर अ स्पेशल वायर इज यूज टू इंक्रीज द हर्ट रेट एंड प्रोड्यूस द इररेगुलर बीट्स दैट कॉज योर साइन एंड सिम्टम्स। इस प्रोसीजर के दौरान हम एक स्पेशल वायर का इस्तेमाल करके आपकी हर्ट रेट को बढ़ाएंगे, इररेगुलर हर्ट बीट्स जनरेट करवाएंगे ताकि इसके कारण आने वाले साइन एंड सिम्टम्स की स्टडी की जा सके। यहां पर बेसिकली आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सारा फोकस आपका इस वर्ड पर होना चाहिए। अगर इस वर्ड के बारे में आप जानते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर अ स्पेशल वायर इज यूज्ड टू इंक्रीज द हर्ट रेट एंड प्रोड्यूस इररेगुलर बीट्स दैट कॉज योर साइन एंड सिम्टम्स। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी के दौरान हार्ट के अंदर एक स्पेशल वायर को इंसर्ट करके एबनॉर्मल हार्ट रिदम प्रोड्यूस की जाती है। ये स्टेटमेंट इस टेस्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करने का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईपीएस? तो आप बताएंगे टू स्टडी द हर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, टू स्टडी द हर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हर्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी स्टडी करने के उद्देश्य से हम ईपीएस या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करवाते हैं। ऑप्शन थ्री के अंदर कहा गया है कि ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, इट इज अ इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसको करने के लिए हमारे शरीर में किसी इक्विपमेंट को इंसर्ट किया जाता है। अगर किसी जांच को करने के लिए हमारे शरीर में उपकरण को इंसर्ट किया जाए तो आप इसे इन्वेजिव प्रोसीजर कहते हैं। और ईपीएस टेस्ट करने के लिए शरीर के अंदर एक वायर इंसर्ट किया जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्लाइंट में इन्वेजिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कंसेंट लेना होता है, कंसेंट लेना होता है इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले। इसके बाद इस चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी इस टेस्ट को करवाया जाता है तो कम से कम 6 से 8 घंटे पहले हम क्लाइंट को एनपीओ कर देते हैं, नील पर ओरल कर देते हैं, यानी कि मुंह से कुछ भी खाने या पीने से मना कर देते हैं। और अगर क्लाइंट को किसी भी प्रकार की एंटी डिसरिदमेटिक मेडिसिन चल रही है तो उसे कम से कम 24 घंटे पहले स्टॉप कर देते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्टॉप ऑल एंटी डिसरिदमिक मेडिसिंस बिफोर 24 आवर्स। क्योंकि इस टेस्ट के अंदर हम वायर इंसर्ट करके डिसरिदमिया कॉज करवाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की एंटी डिसरिदमिक मेडिसिन अगर क्लाइंट को चल रही है तो हम उसे रोक देंगे, अदरवाइज डिसरिदमिया कॉज ही नहीं होगा और हमारे जो टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे वो सही नहीं होंगे। सो ऑप्शन वन के अंदर कहा गया था कि मॉर्निंग में क्लाइंट मेडिसिन ले सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके अलावा ऑप्शन टू में कहा गया है कि हम क्लाइंट को सिडेटिव्स देंगे, बेहोशी की दवा देंगे, रिलैक्स करने की मेडिसिन देंगे, जो कि गलत ऑप्शन है। इस टेस्ट के अंदर जब वायर इंसर्ट करके हार्ट में डिसरिदमियास कॉज किए जाते हैं तब क्लाइंट से लगातार पूछा जाता है कि उसे कैसी हार्ट रिदम फील हो रही है, वो कैसा महसूस कर रहा है। इस टेस्ट में क्लाइंट का वर्बल रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस को पता करने के लिए, इसलिए क्लाइंट को हम किसी भी प्रकार का सिडेटिव्स या एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। सो ऑप्शन 1, 2 and 3 आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है ये आपको बताना है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, तो हम कह सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा प्रोटीन ब्लड में नहीं पाया जाता। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन, फिब्रिनोजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मायोसिन।
याद रखिएगा, मायोसिन प्रोटीन जो है मसल्स के अंदर पाया जाता है और 45% ऑफ टोटल मसल प्रोटीन यही होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है मायोसिन प्रोटीन। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। इट इज अ मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन इन मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन टाइप है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर्स एट विच एज? मोरो रिफ्लेक्स किस उम्र पर डिसअपीयर हो जाता है? 6 महीने पर, 4 महीने पर, 3 महीने पर, 8 महीने पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 मंथ्स। मोरो रिफ्लेक्स एक इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स है जो कि बच्चे को लॉस ऑफ सपोर्ट करने के दौरान देखा जाता है। आपने किसी इन्फेंट को मान लीजिए अपने हाथ के ऊपर ले रखा है और अचानक से आप अपने हाथों को हटाते हैं तो इन्फेंट को ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर रहा है। इस दौरान उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ खुल जाते हैं और फिर अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं और इन्फेंट रोना शुरू कर देता है। यही रिफ्लेक्स मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है। जैसे ही बच्चे को आप लॉस ऑफ सपोर्ट करते हैं, उसे ये लगता है कि वो अब नीचे अचानक गिर जाएगा, तो तुरंत वो अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोल देता है और उसके बाद वापस अंदर की तरफ इन्हें सिकोड़ लेता है और रोने लगता है। ये रिफ्लेक्स मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है। मोरो रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। लिखिएगा हेडिंग मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स एक इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स है इट डेवलप ट्वेंटी 8 to 32 weeks ऑफ गेस्टेशन। ये 28 से 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है, देखने को मिलता है। अब इस रिफ्लेक्स में होता क्या है, इसे नोट कर लीजिएगा या पहले लिख लीजिए। एंड इट डिसअपीयर, ये 3 से 6 महीने की एज पर डिसअपियर हो जाता है, यानी कि हट जाता है, उसके बाद ये देखने को नहीं मिलता। मोरो रिफ्लेक्स एक इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स है जो कि 28 से 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है और 3 से 6 महीने की उम्र पर डिसअपियर हो जाता है। इस रिफ्लेक्स को टेस्ट करने के लिए हम, या इस तरह से लिखिए, इट इज अ रेस्पॉन्स टू सडन लॉस ऑफ सपोर्ट एंड इन्वॉल्व थ्री मोमेंट्स।
कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं इसे नोट करिएगा। सबसे पहला है स्प्रेड ऑफ आर्म्स, स्प्रेडिंग आउट द आर्म्स, इसे आप एबडक्शन कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड एबडक्शन, यानी अपनी एक्सट्रीमिटीज को, अपने हाथों को बॉडी मिडलाइन से दूर ले जाना एबडक्शन मूवमेंट कहलाता है। सेकेंड जो मूवमेंट होती है वो है पुलिंग द आर्म्स इन, पुलिंग द आर्म्स इन, इसे आप एडक्शन के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एडक्शन। और जो थर्ड मूवमेंट आती है उसे आप क्राइंग कहते हैं, यानी बच्चा रोने लग जाता है इन दोनों मूवमेंट्स के बाद, ये यूजुअली देखने को मिलती है। तो सिंपली कहें तो बच्चे को जैसे ही आपने सडन लॉस ऑफ सपोर्ट की स्टेज में लाया तो उसके द्वारा तीन मूवमेंट शो की गई, हाथों को बाहर की तरफ निकालना यानी एबडक्शन, फिर अंदर की तरफ मूव करना एडक्शन, और फिर क्राइंग। ये ही मोरो रिफ्लेक्स है। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पूछे जा सकते हैं इन्हें हाईलाइट कर दिया जाए तो आपके लिए इजी रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ एपिलेप्सी हु इज बीइंग ट्रीटेड विथ कार्बामेज़ेपाइन, विच लेबोरेटरी वैल्यू माइट इंडिकेट अ सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। किसी एपिलेप्सी के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए कार्बामेज़ेपाइन यानी टिग्रीटॉल ड्रग दी जा रही है, इस ड्रग के द्वारा सीरियस साइड इफेक्ट के रूप में कौन सी फाइंडिंग का होना देखा जा सकता है, यानी कि कार्बामेज़ेपाइन लेने वाले पेशेंट में अगर साइड इफेक्ट डेवलप होता है तो कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। यूरिक एसिड ऑफ 5 mg/dL, हेमेटोक्रेट लेवल 33%, WBC 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, प्लेटलेट काउंट 150,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर। The right answer is option C, WBC 2000 per cubic millimeter. गौर कीजिएगा, जब भी हम किसी क्लाइंट को कार्बामेज़ेपाइन ड्रग दे रहे होते हैं तो उसके अंदर बोन मैरो सप्रेस हो जाती है, यानी कि बोन मैरो अपना फंक्शन करना रोक देती है, और बोन मैरो यदि अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो सभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन धीमा हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी का काउंट नॉर्मल से कम हो जाएगा। सो यहां पर डब्ल्यूबीसी काउंट 2000 पर mm³ मिलीमीटर, जो कि काफी कम है, ये एक सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ कार्बामेज़ेपाइन के होने को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज, इनमें से इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज या फिर पर्पॉट। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 6 months ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड विथ पॉसिबल इंट्रूसप्शन, विच पेशेंट ड्यूरिंग द नर्सिंग हिस्ट्री इज लीस्ट हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग दिस डायग्नोसिस, किसी छह महीने के बच्चे में इंट्यूसेप्शन कंडीशन होने पर नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन लीस्ट हेल्पफुल मानेगा असेसमेंट के रिगार्डिंग, डायग्नोसिस के रिगार्डिंग? ऑप्शन ए टेल मी अबाउट हिज पेन, ऑप्शन बी व्हाट डज हिज वॉमिटिंग लुक लाइक, ऑप्शन सी डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट, ऑप्शन डी हैव यू नोटिस चेंजेस इन हिज एब्डोमिनल साइज? इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले इंट्यूसेप्शन क्या है इसे समझ लीजिएगा। इंट्यूसेप्शन कंडीशन का मतलब होता है इंटेस्टाइन का टेलीस्कोपिंग हो जाना, यानी कि इंटेस्टाइन का एक के ऊपर एक चढ़ जाना, जिसके कारण इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज बन जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर इस कंडीशन को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो बच्चे की डेथ तक हो सकती है। टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, अब इस क्वेश्चन का आंसर होपफुली आप सही दे पाएंगे। यस एग्जैक्टली, यहां पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। देखिएगा, एक छह महीने के बच्चे की यूजुअल डाइट क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए। ये छह महीने का बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, इसके अलावा वो और कुछ भी खा पी नहीं सकता। तो अगर आप क्लाइंट से इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो ये लीस्ट हेल्पफुल माना जाएगा, बिल्कुल गलत क्वेश्चन माना जाएगा। हाँ, आप इस बच्चे की मदर से इसके पेन के बारे में पूछ सकते हैं कि इसे पेन कब होता है, इसकी जो वॉमिट है वो कैसी दिखाई देती है, इसके अलावा क्या इसके एब्डोमिन का साइज कुछ पहले से बदला है। ये सभी क्वेश्चंस इस कंडीशन से रेलेवेंट हैं, इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टीचिंग एन अडल्ट हु हैज एंजाइना अबाउट टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन। द नर्स टेल हिम ही विल नो द नाइट्रोग्लिसरीन इज इफेक्टिव व्हेन। किसी एंजाइना वाले पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेने के बाद कौन सी फाइंडिंग महसूस होने पर यह माना जाएगा कि नाइट्रोग्लिसरीन इफेक्टिव है, यानी ये मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखा रही है? ऑप्शन वन, ही एक्सपीरियंसेस टिंगलिंग अंडर द टंग, वो अपनी टंग के नीचे टिंगलिंग सेंसेशन फील करेगा। ऑप्शन टू, हिज पल्स रेट इंक्रीज। ऑप्शन थ्री, हिज पेन सबसाइड्स, उसका दर्द ठीक हो जाएगा। ऑप्शन फोर, हिज एक्टिविटी टॉलरेंस इंक्रीजेस। The right answer is option 3. अगर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेने के बाद क्लाइंट को हो रहा चेस्ट पेन ठीक होता है तो इससे ये माना जाएगा कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है, प्रभावी है। एंजाइना पेक्टोरिस वह कंडीशन है जिसमें हार्ट तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और वहां की सेल्स ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन ना मिलने के कारण डेड होने लगती हैं, इस्कीमिया होने लगता है। यही कंडीशन एंजाइना है। मान लीजिए ये हर्ट है और इस हर्ट में किसी कारण से ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा। मान लीजिए कि ये कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई है, सिकुड़ गई है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में हर्ट तक ब्लड नहीं पहुंच रहा और इस वजह से हर्ट की जो सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी के कारण इनमें इस्कीमिया कंडीशन डेवलप हो रही है और क्लाइंट को चेस्ट पेन होने लगा।
यही चीज एंजाइना पेक्टोरिस कहलाती है। जैसे ही अब ये क्लाइंट नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेगा, इसे यूजुअली हम बिलो द टंग लेते हैं, सब लिंगुअली लेते हैं, तो इस टैबलेट के लेने के बाद जो क्लाइंट की कोरोनरी आर्टरी है, जो ब्लड वेसल है, हार्ट को ब्लड लेकर आती है, वो डायलेट हो जाएंगी, उनका आकार पहले की तुलना में बढ़ जाएगा और ब्लड वेसल्स के डायलेट होने के कारण ज्यादा मात्रा में और तेजी से हार्ट तक ब्लड पहुंचने लगेगा और क्लाइंट को हो रहा चेस्ट पेन रिलीव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट में यदि चेस्ट पेन ठीक हो रहा है, इसका मतलब है कि नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन इफेक्टिव है। ऑप्शन वन में कहा गया है कि क्लाइंट को टंग के नीचे टिंगलिंग सेंसेशन होगा। देखिए, टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब होता है एक एबनॉर्मल सेंसेशन जिसमें कुछ रूखापन सूनापन क्लाइंट को फील होता है। जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं इसे झुनझुनी चढ़ना, इस तरह से आप इसे लोकल लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। अगर क्लाइंट में हेडेक होता है या फिर क्लाइंट को टिंगलिंग सेंसेशन होता है, टिंगलिंग एंड हेडेक अगर होता है नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद, तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रग है ये पोटेंट है, ड्रग प्रभावी है। इसके अलावा जब भी क्लाइंट को पेन से रिलीफ मिलेगा तो उसकी पल्स रेट कम हो जाएगी, ना कि बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर पेशेंट को पेन है तो उसे दर्द के कारण पल्स रेट बढ़ जाएगी और नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन लेने के बाद दर्द में आराम आते ही उसकी हार्ट रेट भी पहले से कम होगी। ऑप्शन फोर में कहा गया है कि एक्टिविटी टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ये चीज तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, किस वर्ष अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस की गई थी? 1948 में, 1956 में, 1977 में, 1978 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1978 के अंदर। अगर आप किसी भी स्टेट के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस 1978 में हुआ था और किस जगह हुआ था? ये हुआ था यूएसएसआर के अंदर। यूएसएसआर रशिया कंट्री का ही पहले का नाम है। रूस में पहले के समय में कई और देश इंक्लूड थे और इन्हें सम्मिलित रूप से यूएसएसआर कहा जाता था। इसका फुल फॉर्म यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशियलिस्ट रिपब्लिकन्स, रिपब्लिक्स कर लीजिए। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशियलिस्ट रिपब्लिक्स। ये रशिया का ही पुराना नाम है। वापस से टॉपिक पर आते हैं, अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस 1978 में यूएसएसआर में हुई थी और इसी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इट्स एट एलिमेंट्स गिवन। इसके अलावा हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, ये WHO का जो टारगेट था ये भी यहीं से दिया गया।
WHO goal health for all by 2000, बेसिक स्वास्थ्य सुविधा सभी के लिए उपलब्ध हो 2000 तक, ऐसा WHO का गोल भी इसी अल्माटा कॉन्फ्रेंस में 1978 में रखा गया था। ये सभी पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एना फिजियो, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? एलिमिनेट ऑक्सीजन, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन, एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर किडनी का सबसे मेन फंक्शन है हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना और बॉडी में बन रहे वेस्ट को रिमूव करना, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? एंटीवर्जन, रेट्रोफ्लेक्शन, एंटीफ्लेक्शन या फिर ऑप्शन ए एंड सी बोथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड सी बोथ। अगर आपसे यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि यूट्रस जो है एंटी वर्जन होता है, एंटी फ्लेक्स होता है और साथ ही साथ ये डेक्स्ट्रो रोटेटेड भी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटेड ये भी होता है। तो याद रखिएगा, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन, डेक्स्ट्रो रोटेटेड। यहां पर जो रेट्रोफ्लेक्शन वर्ड दिया गया है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है यूट्रस की। रेट्रोफ्लेक्शन इज अ एबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस सीन आफ्टर लेबर, एबनॉर्मल कंडीशन है सीन आफ्टर लेबर। इस रेट्रोफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रेट्रोफ्लेक्शन यूट्रस उस कंडीशन में हो जाता है जब यूट्रस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मुड़ जाए, यानी कि बैक साइड में अगर यूट्रस मुड़ जाता है, घूम जाता है, तो ये कंडीशन रेट्रोफ्लेक्शन कहलाती है। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं रेट्रोफ्लेक्शन क्या होता है। रेट्रोफ्लेक्शन मीन्स टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रेट्रो शब्द का सिंपल मीनिंग है बैक साइड में। तो अगर यूट्रस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मुड़ जाता है तो इसे आप रेट्रोफ्लेक्शन कहेंगे। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि लेबर के बाद अक्सर देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूट्रस का, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है, तो आप बताएंगे 60 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम। और अगर यूट्रस की साइज आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 7.5 × 5 × 2 cm, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर तो लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर मोटा होता है यूट्रस। दिस इज अ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस डायमेंशंस। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी।
क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।